नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदानगर चमोली में विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया है, जहां पर सीएम ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनने का आह्वान किया है। बता दें कि उत्तराखंड में मार्च 2022 में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। देश के जननायक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस भी है और आज ही जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय जी, आज ही के दिन आज उनकी भी जयंती है। और आज ही पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भी जयंती है। मैं इन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। भारत के मानचित्र में अलग राज्य के तौर पर उत्तराखंड का गठन करने वाले अटल जी का हम एक बार इस मां नंदानगर से उनको सत्सर नमन करते हैं। और आज जिस प्रकार से मैं पूरे रास्ते में देखते हुए आ रहा था, रास्ते भर मैंने देखा हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारे नौजवान बच्चे जिस प्रकार से सड़कों पर आ रहे हैं, जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि अब कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड राज्य में जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कमल खिलाने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। आज हमारे युवाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर जो मुस्कान और माताओं के चेहरे पर जो आत्मसम्मान है, यह निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारी सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में हो या उत्तराखंड की आपकी सरकार हो, ये लगातार आम जनता और सामान्य जनता के हितों के लिए काम कर रही है। अभी आदरणीय तीरथ जी कह रहे थे, उनका मार्गदर्शन लगातार संपूर्ण जीवन भर मेरे साथ रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं आज एक घटना बताना चाहता हूं कि एक बार मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ने की मैं तैयारी कर रहा था लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, और आदरणीय तीरथ जी मेरा टिकट मांगने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यालय तक गए। वर्षों वर्षों पुरानी बात है, तो निश्चित रूप से आपके साथ चलकर हम लोगों ने बहुत सारे काम सीखे हैं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, लगातार उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा निरंतर प्रयास है कि जितना हो सके आप लोगों के जीवन को सुगम बनाऊं, अच्छा बनाऊं, हमारी माताओं बहनों के जीवन में कुछ खुशियां लाएं, उनके कुछ काम करें। उसके लिए मुख्य सेवक के रूप में लगातार हम फैसले ले रहे हैं, पूरी हमारी सरकार फैसले ले रही है। कल भी हमारी कैबिनेट थी, कल कैबिनेट में हमने औपचारिक रूप से 60 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनौपचारिक रूप से हमने 100 मुद्दों पर बात करी है। प्रत्येक दिन हम लोग जब भी कैबिनेट करते हैं 50 से कम फैसले नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उत्तराखंड आगे जाना चाहिए, हमारी माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उनके चेहरों पर खुशियां आनी चाहिए, हमारे नौजवान भाइयों को काम मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनका पलायन रुकना चाहिए। इस क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। यह आपकी अपनी सरकार है जिसका एकमात्र ध्येय आपकी प्रगति और आपका विकास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। जैसा आदरणीय तीरथ जी ने अभी बताया, आदरणीय महाराज जी ने बताया
कि ये जो डबल इंजन की हम बात कर रहे हैं, ये पावर हाउस है, ये ऊर्जा का पावर हाउस है जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और इस पावर हाउस के साथ जो भी जुड़ेगा उसको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। और हमारी और केंद्र की जो प्राथमिकताएं एक हैं, जो केंद्र सोचता है और हम जो चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं केंद्र उस पर अपनी मोहर लगाता है। इसलिए पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है, 1 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति हुई है। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र ढाका और संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ तो हो गया है और जिस तरह लगातार सीएम धामी ये दंभ भर रहे हैं कि इस बार फिर से जनता बीजेपी को आशीर्वाद देने वाली है, क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या कहती है? देखिए चारुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है और उसकी अगुवाई हर जगह जाकर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बीजेपी के सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तो एक जो लोगों को जोड़ने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, एक युवा चेहरे पर है और युवा कंधों पर दारोमदार है कि उसे सरकार की वापसी करानी है। पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और जिस तरह दिन रात काम कर रहे हैं उसे देखकर एक बात जरूर लगती है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह सरकार वापसी कर जाए। एंटी इनकम्बेंसी को दरकिनार कर वो एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं, बड़ा मैसेज है उनकी तरफ से, और जिस तरह काम कर रहे हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो घोषणाएं कर रहे हैं वो अगले 10 सालों में उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाएगा। और जिस तरह रोजगार की बात लगातार की जा रही है, रोजगार को लेकर लगातार सक्रिय हैं और वो चाहते हैं जो भी थोड़ा सा समय बचा है उससे पहले जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उन्हें अमली जामा पहना दिया जाए, तो पूरी तैयारी है पुष्कर सिंह धामी की। और जिस तरह विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है उससे एक साफ मैसेज है, आप देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं, बीजेपी के सभी कद्दावर नेता उसमें शिरकत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिस तरह ये यात्रा निकाली जा रही है विजय संकल्प यात्रा, तो इसका जाहिर सी बात है एक इम्पैक्ट है और युवा चेहरे के कंधों पर दारोमदार है। देखना होगा कि अब जो 2022 में जब चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें क्या निकलता है, लेकिन धामी पर जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है उस भरोसे पर कायम कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जरूर उतर रहे हैं। सुरेंद्र, आप बने रहिए, हमारे साथ संजय पुंडीर भी हैं। संजय, युवा चेहरे पर दारोमदार है लेकिन सबसे अहम चीज, ये युवा चेहरे से पहले 2 मुख्यमंत्री बदले गए और ना सिर्फ मुख्यमंत्री बदले गए बल्कि मुख्यमंत्रियों के निर्णय भी बदले गए, ऐसे में तमाम सवाल होंगे। आप जा तो रहे हैं जनता के बीच लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफें नहीं कर सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं, बहुत से सवाल ऐसे भी हैं जो जनता के मन में, और उनका जवाब भी देना होगा। उत्तराखंड के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो युद्ध स्तर पर तैयारी लगातार ही जारी है, हालांकि जो विजय संकल्प यात्रा थी वो कुमाऊं और गढ़वाल की जो शुभारंभ किया था इसमें आप कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक लगातार ही आना जारी है। हालांकि आपका अहम सवाल जिस तरीके से आपने कहा है कि विकास कार्य जो जनता के बीच जब हमारी टीम जाती है तो वहां पे जनता से हम सवाल करते हैं कि किस लिए आप सरकार को चुन रहे हो, तो लगातार ही जनता का भी कहीं ना कहीं यही आंसर होता है, यही उत्तर होता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, हालांकि लगातार ही चुनाव का दौर है, उससे पहले भी लगातार ही जो विजय संकल्प यात्रा है वो तमाम जगहों पर घूमकर उत्तराखंड के सभी जनपदों में घूमकर अपने 4.5 साल के कार्य को गिनवा रही है। उसमें केंद्र शासित योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो, तमाम तरह की योजनाओं को लेकर लोगों से बातचीत कर रही है और लोगों के सुझाव भी। सबसे अहम चीज देखिए ये भी है कि अगर सरकार ने तमाम कार्य किए हैं तो फिर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट दीजिए, अगर काम किया होता तो जमीन पर नजर भी आता और जनता उसके हिसाब से वोट भी देती। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 41 अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जहां उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिली है। उत्तराखंड में 2.5 लाख कर्मियों और पेंशनर्स का 3% डीए बढ़ाया गया है, इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31% हो जाएगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा और ये मौजूदा 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। एक जनहित में निर्णय लिया गया
जो राज्य में जो प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित होते हैं परिवार, उनमें 2011 की सेंसस के हिसाब से आज तक परिवार की परिभाषा में आते थे, 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर। अब निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर के आधार पर परिवारों को चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत की नाराजगी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि हर जनप्रतिनिधि के सामने अपने इलाके के विकास का दबाव होता है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, मिलजुल कर बात करके मामले को सुलझा लिया जाएगा, चुनाव नजदीक है, सभी को काम अधिक तेजी से कराने की ललक होती है। बाकी तो धरातल पे कुछ मैंने नहीं देखा, मेरी बात सब लोगों से लगातार हुई है, तो मुझे लगता है कि नाराजगी अपनी जगह है, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस्तीफे जैसी बात कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं जो उन्होंने बात रखी है, उस पर बात चल रही है, परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी सर, बात क्या बात थी, आप बैठक में मौजूद थे सर, क्या घटनाक्रम रहा? नहीं नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। सर आपको लगता नहीं कि जो नॉर्म थे उसमें तो सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था सर कि दो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाएंगे, लेकिन क्या अब नियमों को बदला? अभी हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि कुछ धनराशि जारी करेंगे। सर क्या तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है सर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं नहीं नहीं, ऐसी परिवार की बात है, परिवार में कहा है सर। चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का तरीका है ये? नहीं नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नजदीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। सर आपने अब तक जो फैसले लिए, राज्य पे तो असर नहीं हो सकता ना सर उस दबाव से? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं सर। आपने अब तक जो फैसले लिए हैं, बहुत धाकड़ फैसले लिए हैं, क्या हरक सिंह रावत आपको प्रेशर में ले लेंगे इस बार? नहीं नहीं, देखिए ऐसा प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है। आप सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुरेंद्र का ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, जिस तरह मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर कि ये तो घर की बात है, परिवार की बात है, अब भला मुख्यमंत्री जी को कौन ये बात समझाए कि जब घर से बात निकल जाती है, परिवार से बाहर बात आ जाती है, तो वो घर की बात तो नहीं रह जाती? जी बिल्कुल चारुल, देखिए जिस तरह बात पूरे सार्वजनिक हुई है और कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर जाना एक बड़ा पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया है जनता को, और जिस तरह हरक सिंह रावत लगातार बार्गेनिंग कर रहे हैं, हरक सिंह रावत को 5 करोड़ रुपए, जो मेडिकल कॉलेज की जिसकी बात कर रहे थे, 5 करोड़ रुपए उसे जारी भी कर दिया गया है उसका बजट, लेकिन अब उस बजट को बढ़ाकर हरक सिंह रावत की तरफ से जो डिमांड आ रही है वो 20 करोड़ आ रही है। तो जाहिर सी बात है अभी हरक सिंह रावत बार्गेन कर रहे हैं और वो जानते हैं कि यही सही मौका है, और उन्होंने जिस तरह दिल्ली तक बड़े नेता उन्हें मनाने में लगे हैं, और भाजपा की जो आला कमान है पूरी तरह मुस्तैद है और वो चाहती है कि हरक सिंह बड़े नेता हैं, और हरक सिंह का जाना मतलब कई सीटों पर प्रभाव जाना है, तो वो जानते हैं कि हरक सिंह रावत को किसी भी तरह रोककर पार्टी में रखना है और उनकी जो बातें हैं उन्हें मनाना है, तो डैमेज कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। रात लगभग 1:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरक सिंह रावत से बात हुई है, उसके बाद से हरक सिंह रावत की अभी तक किसी को लोकेशन नहीं पता है, ना खुद सरकार को पता है कि हरक सिंह रावत अभी कहां पर है। हालांकि एक चर्चा जरूर आ रही है कि हरक सिंह रावत मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, अब वो 20 करोड़ रुपए स्वीकृत होता है, हरक सिंह रावत पार्टी में रहते हैं या पार्टी को बाय बाय कर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह 2016 में एक घटनाक्रम हुआ उत्तराखंड की राजनीति में, कई विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिए कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या ऐसा इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है और हरक सिंह रावत घर वापसी कर सकते हैं? ऐसी भी तमाम तरह की चर्चाएं उत्तराखंड की राजनीति में फिलहाल तैर रही हैं, लेकिन दिल्ली से साफ संदेश है कि हरक सिंह रावत को मनाया जाए, और अगर कुछ विधायक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस डैमेज को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए ताकि पार्टी को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और प्रदेश में एक मैसेज चला जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा पब्लिक के दिमाग में, तो उस परसेप्शन से बचाना है अपनी पार्टी को भी और डैमेज को भी, तो दोनों को बचाने में भाजपा ने पूरी कवायद की। डैमेज कंट्रोल तो किया जा रहा है सुरेंद्र, हम आपके पास आना चाहेंगे संजय पुंडीर,
प्रेशर पॉलिटिक्स का असर कभी बीजेपी पर नहीं होता और बीजेपी खुलकर ये बात कहती रही है, फिर आज कैसे ये प्रेशर पॉलिटिक्स का असर हमें देखने को मिल रहा है? हरक सिंह रावत को किसी भी कीमत पर मनाना है जब ये बातें बीजेपी बोल रही है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स का असर है ये। आप देखिए कि अभी तक किसी भी तरह का कोई आवंटन नहीं हुआ था पैसे को लेकर, लेकिन 5 करोड़ और उसके बाद 25 करोड़ यानी राशि बढ़ाई गई, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? और हरक सिंह रावत के बाद तो नाम सत्पाल महाराज का भी आ रहा है कि वो भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, कैसी कोई खबरें, कुछ ऐसी जानकारी? अब बिल्कुल चारुल, देखिए आपको बता दें चुनाव का दौर है, ऐसे में इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता अपनी बात को मनवाने का। इसी को देखते हुए जो हरक सिंह रावत जो कल कैबिनेट से नाराज होकर चले गए थे, उसका जो चर्चाओं का जो माहौल था वो लगातार ही एक उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। साफ कहा जा सकता है कि एक तरफ जो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए ट्वीट कर रहे थे, तो अब उनकी आलाकमान ने बात मान ली और वो खुशी खुशी उत्तराखंड लौट आए हैं। ऐसे में अब हरीश रावत की बात करें या फिर हरक सिंह रावत की बात करें तो तमाम वही बात है कि जिस तरीके से बीते दिनों से लगातार वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर पार्टी पर यानी सरकार पर दबाव बना रहे थे, उनकी बात ना मानने से वो कैबिनेट से नाराज होकर चले गए। हालांकि लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान बड़े नेता है वो लगातार ही उन्हें मनाने में लगे हैं, हालांकि कुछ स्तर तक वो मान भी गए हैं, लेकिन अभी तक जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उनकी भी उनसे बात नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी उनका इस वक्त मूड क्या है, ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता लग पाएगा। जी देखिए, बड़ा चैलेंज तो दोनों ही पार्टियों के सामने भी है कि अब रूठों को मनाएं या फिर इलेक्शन कैंपेन में जाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र। उत्तराखंड में पिछले 21 सालों से राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिलता रहा। दो दिन पहले कांग्रेस में जमकर गुटबाजी हुई और अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के लिए बीजेपी ही दोषी है। कैबिनेट बैठक के दौरान अगर मंत्री नाराज होकर कैबिनेट से बाहर चले जाते हैं तो इससे साफ होता है कि उत्तराखंड सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी प्रदेश सरकार पर तंज कसे। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त अंतर्द्वंद है, अंतर विरोध है, अंतर कलह है, ये साफ दिख रहा है। अभी आप देखिए 3-4 दिन पुराना हरक सिंह जी का बयान खनन के मामले में बयान आया है। आज कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, अनुशासन में हम लोग रहते हैं, और उन्हीं की पार्टी में कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में ही इस्तीफा दे देता है, तो इससे बड़ा अनुशासनहीनता और क्या हो सकती है, इससे बड़ा अंतर्द्वंद और क्या हो सकता है। तो इसलिए भाजपा में जबरदस्त अंतर्द्वंद है। अकेले हरक सिंह जी ही नाराज नहीं है, कई अन्य मंत्री भी नाराज हैं, कई अन्य विधायक नाराज हैं। आप देखिए चुनाव आते आते जैसे जैसे चुनाव की घोषणा होगी 15 से 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का जो उत्तराखंड का संगठन है बहुत ही नाटकीय है। जो कुछ भी चल रहा है ऐसा लग रहा है प्रदेश के अंदर सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, इसलिए क्योंकि सदन के अंदर सरकार का ये जवाब था कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, फिर ऐसे में हरक सिंह जी की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार जिस तरह से सरकार के नुमाइंदे बाहर आकर कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी दूर कर ली गई है और मेडिकल कॉलेज को स्वीकारोक्ति दे दी गई है, 5 करोड़ रुपया उसके लिए निर्गत हो गया है। मैं पूछना चाहती हूँ धन सिंह रावत जी से, मैं पूछना चाहती हूँ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी से, कहाँ है शासनादेश, कहाँ है वो बजट जो जारी हुआ है 5 करोड़ के लिए? क्या आप लोग अपनी जेब से देने जा रहे हैं हरक सिंह रावत जी 5 करोड़ रुपया? क्या संविधान और लोकतंत्र और तमाम नियम कायदे कानून सिर्फ एक मंत्री की नाराजगी को दूर करने के लिए तोड़े मरोड़े जाएंगे? उधर हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद कल राहुल गांधी के आवास पर उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक हुई जिसमें सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। और अब एक बार फिर से हरीश रावत का बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि कदम से कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा।
कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये तो मैं उस समय भी कर रहा था, लेकिन इस गीत के साथ मैंने उस समय जरा सा ढोल बजा दिया, कहा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोर्स करेक्शन इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए जीतने के लिए ज़रूरी है। और एक बात जो हमको समझनी पड़ेगी, किसी ये कहीं भी समझना है, मालिक तो EICC है, लाइक BCCI, जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है, तो तीनों के बीच में देयर शुड बी एक रिश्ता होना चाहिए कॉन्फिडेंस का और समझ का, और क्रॉस पर्पस के लिए खेलेंगे तो यू विल लूज द मैच। तो जो मैंने कहा वो मैच जीते हैं उसके लिए कहा, और मैं सामान्य तौर पर कहता तो फिर बहुत सारी चीज़ें राजनीति के अंदर होती है, लोग कहते हैं आप राजनीतिक एडजस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है, तो कभी कभी जो है ऐसी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है, और मैं समझता हूँ इसे लाभ होगा।